योगी के घर से कुछ ही दूर अलकायदा के दो आतंकी धर दबोचे। यूपी पुलिस ने चलाया था खतरनाक ऑपरेशन और इन आतंकियों के निशाने पर थे कई बड़े बीजेपी नेता। दरअसल यूपी के लखनऊ में दुबग्गा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस और एटीएस की टीमों ने एक घर को घेर लिया। बताया जा रहा है कि यहाँ एक घर में पुलिस और एटीएस को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। पूछताछ के बाद अलकायदा के दो संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में ले लिया गया है। दुबग्गा के पास काकोरी में एटीएस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ पर फरीदीनगर में कुछ संदिग्ध लोगों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद तुरंत पहुंच गई यूपी पुलिस और एटीएस की टीमें। बताया जा रहा है कि जिन दो लोगों को हिरासत में लिया गया है वो अलकायदा के आतंकी हैं। इनका हैंडलर पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा से बताया जा रहा है। इनके निशाने पर बीजेपी के बड़े नेता थे। जिस घर में संदिग्ध छिपे होने की सूचना मिली थी उन्हें घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया है और उनसे भी पूछताछ चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घर के चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। घर के चारों तरफ से घेर लिया गया है। आसपास की सड़कें भी बंद कर दी गई हैं ताकि इलाके से ना तो कोई बाहर आ सके और ना ही कोई बाहर का शख्स अंदर आ सके। किसी बड़ी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस और एटीएस की टीमों ने मकान के आसपास के इलाके को पहले ही खाली करा लिया है। लोगों को यहां आने जाने से रोका जा रहा है। आसपास के मकानों के लोगों को पहले ही बाहर निकाल लिया गया था। बताया जा रहा है कि मौके पर एटीएस के कमांडो भी हैं। इनके साथ बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है। आशंका है कि संदिग्धों के पास विस्फोटक सामग्री हो सकती है, इसीलिए एटीएस बम निरोधक दस्ता अपने साथ ले गई। मौके से कुछ विदेशी असले और टाइम बम भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस टीम ने काकोरी में रहने वाले शाहिद के घर पर रेड की। वो करीब 8 साल पहले दुबई से वापस आया था और इन दिनों गैराज का काम कर रहा था और उसके पास से विस्फोटक, 2 प्रेशर कुकर और काफी संदिग्ध सामान मिला है। यूपी एटीएस ने शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ ही एक और संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके नाम का अभी खुलासा नहीं किया गया। अफसरों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आतंकियों की साजिश सीरियल ब्लास्ट करवाने की थी। और अब देखना होगा कि यूपी पुलिस किस तरह से इन आतंकियों को नेस्तनाबूद करती है और एटीएस की टीमें किस तरह से इनके सोर्स खंगालती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।